तो आप ये बताओ कि करवा चौथ रखते क्यों हैं? अपना शौक पूरे करने के लिए, सजने संवारने के लिए रखते हैं हम। पति की लंबी उम्र के लिए ऑफ कोर्स। रीत चली आ रही है, मैं तो उसे रखती हूं। बिल्कुल रीत सदा चली आई है। और हम अपना थोड़ा प्रेम की वजह से रखते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है इसीलिए ही रखते हैं कि हस्बैंड की उम्र लंबी हो। अच्छा, आप बिलीव करते हैं सच में लंबी उम्र होती है? अब सब मानते हैं तो हम भी मानते ही हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई फुल प्रूफ प्लान तो नहीं है? अच्छा कि हाँ, अच्छा ये बताओ कि हस्बैंड की लंबी उम्र ही चाहिए क्या? मतलब गर्ल्स को नहीं चाहिए अपनी लंबी उम्र? गर्ल्स को भी चाहिए होती है, बट हमारा हिंदू ट्रेडिशन होता है ना कि हस्बैंड को ज्यादा मानते हैं। अच्छा आप ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि आपके हस्बैंड को रखना चाहिए करवा चौथ का पास? मेरे हस्बैंड रखते नहीं है, मैंने बहुत बोला था उनको क्योंकि फर्स्ट था मेरा कि आप भी रखो, बट वो नहीं रखते। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जनता शो। और आज हम आए हैं रोहतक के डी पार्क में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त मार्केट में बहुत ही क्राउड आना शुरू हो चुका है। और कल है करवा चौथ और आज हम लोगों से पूछते हैं करवा चौथ के बारे में, उनकी क्या क्या सोच है, क्या थिंकिंग है। तो चलो चले मार्केट एक्सप्लोर करने। मैम आपका नाम? मेरा नाम शालू। सिमरन। तमन्ना। निशा। नौशीन। अजीत। मेरा नाम राज पावा है। पूजा। तो आप ये बताओ कि करवा चौथ रखते क्यों हैं? अपना शौक पूरे करने के लिए। गिफ्ट्स लेने के लिए? नहीं, सजने संवारने के लिए रखते हैं। करवा चौथ इसलिए मनाते हैं कि मतलब हमारे हस्बैंड की ना उम्र लंबी हो। रीत चली आ रही है, मैं तो उसे रखती हूं। रीत सदा चली आई है। और हम अपना थोड़ा प्रेम की वजह से रखते हैं। भाई देखो, हमारे टाइम में तो ये था कि एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी काम से, और भाई आदमी घर पे है या नहीं है, हमने बस चौथ का व्रत रखना ही रखना है। अपने पति की आयु लंबी के लिए। ओके, आज के जो जनरेशन के लोग हैं वो तो ये कुछ नहीं मानते। क्या सच में आयु लंबी होती है? ये हमें क्या पता, हम थोड़ा रखते हैं जी। चाहे होती हो चाहे नहीं होती हो, रखना तो चाहिए ना, क्या पता हो जाए। हाँ जरूर होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल? प्रैक्टिकल क्या लिख के दो। क्यों रखते हैं? देखो मेन तो दो रीजंस हैं। एक तो जो रिचुअल्स हैं उसके लिए फॉलो करते हुए सब वाइफ्स अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ की दुआ करती हैं, रखती हैं। सेकंड, मॉडर्न अगर माने तो ये भी हो गया है कि घर वाले कहते हैं इसलिए रखना है हस्बैंड के लिए। हस्बैंड के लिए? हाँ। तो आपके हस्बैंड सामने हैं तो आपके हस्बैंड रखते हैं आपके लिए? नहीं। क्यों? पूछो। इधर आओ या इधर आओ भाई, इनसे पूछो। क्यों मरवाओ? तो इनसे पूछते हैं कि आप रखते हो अपनी बीवी के लिए करवा चौथ का व्रत? नहीं। क्यों? बस मरवा दिया। हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इससे सच में हस्बैंड की आयु लंबी होती है? अब ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि होती है कि नहीं है, पर हम अपनी पूरी श्रद्धा से ये व्रत रखते हैं। बिलीफ है, इंडियन बिलीफ है, तो जरूर होती है। हाँ होती है, लोग मानते हैं तो होती होगी। हमारे पूर्वज मानते हैं तो हम भी मानते हैं। मतलब पूर्वजों के मानने से ही आप लोग मानते हैं? हाँ। लॉजिक नहीं लगा? नहीं, लॉजिक तो यही है कि एज बढ़ती है अपने हस्बैंड के लिए। अभी मेरी शादी को 3 साल ही हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट ठीक है, पीछे से चला आ रहा है तो ठीक है, रिचुअल है तो निभाना चाहिए, निभा रहे हैं। आपको विश्वास है कि सच में लंबी उम्र होती है वरना? या मतलब कि जैसे दूसरों ने बताया वैसे ही? ये तो जो चलता आ रहा है एक रीत है वही है। भाई आयु का देखी सा तो वह बात है, इन वाली बात है भाई, पूर्वज रखते आ रहे हैं, अपनी परंपरा को कैसे छोड़ देगा। ये तो पुराने पूर्वजों से ये विचारधारा चलती आ रही है, और हम भी हमारे माता पिता को देखते आए हैं, दादा दादी को देखा है, बड़े बुजुर्गों को देखा है। ये चीज एक विश्वास एक दूसरे का मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक दो दिलों का मेल, एक अपनी फीलिंग्स, मेरे विचार ये कि इससे रिश्ता और मजबूत बढ़ता है, और उस रिश्ता मजबूत बढ़ने पर ही आयु ज़्यादा होगी, तो मेरा तो यही मानना है। आंटी जी, अगला क्वेश्चन ये है कि जो लेडीज व्रत रखती हैं और जेंट्स नहीं रखते, तो आपको क्या लगता है जेंट्स को रखना चाहिए करवा चौथ? वो सबकी अपनी सोच है, हमें किसी को कंपेल नहीं करना चाहिए। ये तो पर्सनल विश है, रखना है तो रखो, नहीं रखना है अगर उन्हें लगता है कि हाँ अगर हमारी हो रही है और हमारी ऐसा रखने से हमारी वाइफ की भी हो जाएगी तो वो भी रख लें। हाँ, जेंट्स को भी रखना चाहिए। और आपके पति रखते हैं? हाँ जी, हमारे पति रखते हैं। अच्छा ये बताओ कि हस्बैंड को रखना चाहिए? रखना चाहिए। तो आप रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ। नहीं भाई। क्यों नहीं? बीवी रखती, मैं रखूंगा। तो उनकी लंबी आयु के लिए जो पहले रीत बनी है उसी के लिए चलेंगे कि ऐसा ना कि मैं भी रख लूंगा तो उनकी आयु लंबी हो जाएगी। अगर आपके लिए बीवी ना रखे तो?
ना रखे फिर भी कुछ नहीं होना मेरे को, फिर भी कुछ नहीं होना। मैं लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि मत रखने से ना प्यार बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है। आप मत रखो, आप वरना अपनी बीवी को यहाँ कैमरे के सामने आई बोल दो उनका नाम लेके। अच्छा, आई लव यू दीपिका, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको क्या व्यू है इस पर? रखना चाहिए, जो रख सकते हैं तो रखना भी चाहिए उनको। हाँ ऑब्वियसली, अगर हम रख रहे हैं तो उनको भी रखना चाहिए, हम उनके लिए कुछ रख कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए ना। बॉयज को रखना चाहिए, अगर तुम्हारी होने वाली वाइफ या तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर फास्ट रख रही है तो तुम भी पूरे दिन भूखा रहो, अब तुम चढ़ते रहोगे तो वो नहीं खाएगी कुछ। ये हस्बैंड की मर्जी, ये उनकी मर्जी, आपको नहीं लगता? वैसे भी मतलब ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है, अगर मैं नहीं कुछ खा रही तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं उनको इंसिस्ट करूँ कि तुम पे कुछ मत खाओ, अगर उनका खुद से मन होगा वो नहीं खाएंगे। देखिए पुरुष रख सकते हैं, और आजकल तो पत्नी व्रता पुरुष भी बहुत हैं जो साथ साथ कंधे से कंधा मिला के व्रत रखते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो बिल्कुल बढ़ावा देती हूँ मैं इस चीज़ को कि पति भी रखे। पति की लंबी उम्र के लिए। आपके पति रखते हैं? नहीं। रखना चाहिए उनको? नहीं, रखना तो चाहिए। आपकी भी आयु लंबी होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। बताओ उनको वीडियो में। हाँ जी, रखना बात। हाँ जी रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाए वही बहुत है। फर्स्ट वर्थ में आपने मतलब कि क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मतलब कहाँ प्रॉब्लम आती है? मैं प्रॉब्लम नहीं आती है, दिन निकल जाता पूरा, पता नहीं चलता। बिना पानी पिए? हाँ बिना पानी भी रह सकते हैं। निकल जाता बड़े इजीली, पता नहीं चलता, क्योंकि हमें लड़कियों को थोड़ा होता है कि रेडी होना है ये सब। अच्छा। करना है तो उसमें टाइम निकल जाता, ज्यादा पता नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम बहुत इंजॉय करते हैं, हम सारे बहुत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल, सुबह के टाइम हम सरगी करते हैं तो प्रॉपर, फिर उसके बाद हमारा व्रत शुरू होता है, कथा से शुरू होता है, शाम को पूजा होती है, दिन में किटीज गेट टुगेदर, ये सब ऑल ऑफ। अच्छा, पूरे फुल डे में मतलब कुछ रहता है कि मतलब भूख लग रही है, प्यास? नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, अगर विश्वास और श्रद्धा से रखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस व्रत के दौरान कुछ एक्सपेक्टेशन भी रहती हैं, लाइक गिफ्ट वगैरह कुछ? हाँ, मिलना वो चाहिए? तो मिलते ही है, मिलते ही है। फर्स्ट में तो मिला था, अब सेकंड में देखते हैं। अब एक्सपेक्टेशन पहले से ज्यादा है? हाँ, अरे श्योर, गिफ्ट तो पहले ही मिल जाते हैं हमको। भाई डिमांड तो देखो, मेन तो लेडीज का होता है कि ज्वेलरी क्लोथ इन्हीं का ही शौक होता है लेडीज को। okay. तो वो तो पहले ही मिल जाता है क्योंकि करवा चौथ पे हम वेयर करते हैं उनको। तो उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सरप्राइज अलग से? हाँ, एक्स्ट्रा सरप्राइज यही होता है कि बाहर डिनर टेबल बुक होता है होटल्स में, और क्या। अच्छा, आपके हस्बैंड रखते हैं करवा? नहीं रखते। तो रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी है तो रखे। अभी हस्बैंड को चाहिए कि उनकी लंबी उम्र हो, तो आपको नहीं चाहिए कि आपकी भी लंबी उम्र हो, आप उनके साथ साथ रहिए? हाँ रखना चाहिए वैसे तो हस्बैंड से। यस ऑफ कोर्स, वो रखते हैं। ओके, आपके हस्बैंड रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। रखते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, नहीं तो आपको बताते और अच्छे से।